एक अरब से अधिक मुसलमान एक दिन में 5 बार झुककर अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, जो उन्हें उनके नबी मोहम्मद द्वारा दी गई है। प्रत्येक दिन 5 बार वो काली चट्टान मक्का के पवित्र शहर की ओर मुंह करके इस्लाम धर्म में नई रीति से अपने आप को सौंपते हैं। पूरे संसार में प्रत्येक दिन एक विशाल समूह के रूप में ये झुकते हैं। मोहम्मद इनके नबी, कुरान इनका पवित्र शास्त्र, मक्का इनका पवित्र शहर तथा इस्लाम के अनुयायी होने के कारण अपनी एकता दर्शाते हैं। वैसे प्राचीन शिल्प वैज्ञानिकों ने एक भिन्न कहानी का संकेत देते हुए खोज आरंभ कर दी है। विद्वानों ने गंभीर रूप से जांच आरंभ कर दी है तथा इस्लाम के तथ्यों को चुनौती दे रहे हैं, और यदि वो सही है तो आज के मुसलमानों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे, हम उन पर निर्भर हैं। आधुनिक तकनीक हमें अनुमति देती है कि इस्लाम के आरंभिक वर्षों के बारे में दोबारा सोचें तथा उन बातों को समझें जिसने इतिहासकारों को वर्षों से दुविधा में डाला हुआ है। पूरे संसार में यूनिवर्सिटियों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों में प्राचीन पुस्तकें व लेख हैं जो विद्वानों के लिए इंटरनेट पर हैं। अब हम माउस के केवल एक क्लिक से प्राचीन हस्तलिपि की जांच कर सकते हैं। आज हम शैक्षणिक तथा अव्यवसायी सैटेलाइट से सही स्थान व विस्तार से जांच कर सकते हैं। पहले जिसमें बहुत खर्च व मेहनत लगती थी, और जल्द ही पूरे संसार में अन्य व्यक्तियों को सोशल मीडिया तथा शैक्षणिक फोरम द्वारा बता सकते हैं। इसलिए अब पहली बार इस्लाम की स्थापना के शोध का पूरा नया युग प्रकाश में आया है, और हम इसे एक साथ जोड़ सकते हैं कि अरब में 1500 वर्षों पहले वास्तव में क्या हुआ था। लेखक व इतिहासकार डैन गिब्सन का अधिकतर जीवन मिडिल ईस्ट में ही बीता। उन्होंने इस्लाम से पहले संसार के बहुत से प्राचीन काल के व्यक्तियों व स्थानों पर बड़े पैमाने पर शोध किया है। जब मैं अरब आया तब मैं तकरीबन 20 वर्ष का था, और 30 वर्ष से अधिक मैंने यहाँ समय बिताया है। संसार के अद्भुत भाग के प्रत्येक कोने का शोध किया है, सब प्रमाणों को एक साथ जोड़कर उग्र नया सिद्धांत बनाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो पहले विचार थे उनमें बदलाव आएगा। बहुत वर्षों के अध्ययन के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस्लाम का आरंभ परंपरागत इतिहास से संभव है। पहले लिखे गए इस्लाम के बारे में कुछ संकेत तथा संदर्भ हैं, जिससे मक्का के रहस्य का छुपा हुआ सच सामने आया। पिछले दिनों 2002 में नाबातियन अध्ययन पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन अल हुसैन बिन तलाल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया, जिसमें मुझे जाने का अवसर मिला। वहां मुझे दक्षिणी अरब व जॉर्डन से आए पुरातत्व वैज्ञानिकों से बात करने का अवसर मिला। विशेष रूप से मैंने उनसे मक्का के पुरातत्व रिकॉर्ड के बारे में पूछा। उनकी इच्छा थी कि उनका नाम कहीं भी बताया या लिखा ना जाए। उन्होंने कहा कि 810 एडी से पहले वहां मक्का के पुरातत्व का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैंने आशा की थी कि वो अपने विचारों से बचाव करेंगे। मक्का दीवारों से घिरा शहर था, उसमें घर, बगीचे तथा सार्वजनिक इमारतें व मंदिर थे। उन्होंने कहा, नहीं, वहां ऐसा कुछ नहीं था। क्या आप जानते हैं कि मक्का का नाम कुरान में केवल एक बार आया है? मुसलमान विद्वानों ने मक्का को अन्य नाम दिए हैं, जैसे वर्जित स्थान पर एकत्र होना, या पवित्र घर, या बैक्का का स्थान, या रोना। आज ये सभी नाम सर्वव्यापी रूप से मक्का के संदर्भ में जोड़े जाते हैं। वर्जित स्थान पर एकत्र होना, पवित्र घर, बैक्का, यहाँ तक कि कुरान में भी मक्का के संदर्भ में बहुत से नाम नहीं बताए गए हैं। मुसलमान विद्वानों ने भी देखा है कि इस विषय पर वाद विवाद का कोई कारण नहीं है, परंतु कुछ वर्षों से इतिहासकारों ने यह प्रश्न उठाया है। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मक्का एक बंजर भूमि है और प्राचीन कारवा के मार्ग में स्थापित नहीं है। लोग सोचते हैं कि कारवा में धूप, मसाले तथा अन्य विदेशी वस्तुएं होंगी, परंतु नए शोध के अनुसार बहुत पहले ही मोहम्मद के समय से लोबान का प्रयोग समाप्त हो गया था, और अब अरबी कपड़े और चमड़े के उस व्यापार में व्यस्त हो गए थे जिसमें इस विशाल शहर को बचाए रखने की क्षमता नहीं थी। वो शहर जिसे सभी शहरों की माता और व्यापार मार्ग का केंद्र बोला जाता था। इस मानचित्र को देखें, कहां व्यापार के मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। उत्तरी अरब में 3 स्थान हैं जिन्हें व्यापार मार्ग का केंद्र कहा जाता है। इसमें रुचिकर क्या है, वो है कि मक्का रुकने का स्थान नहीं है, क्योंकि ये तो कारवां के मार्ग में भी स्थापित नहीं है। इस फिल्म में हम पाएंगे कि मोहम्मद नबी के समय से ही मक्का में पूर्ण रूप से पुरातत्व की कमी क्यों रही।
क्यों मक्का का विवरण भूदृश्य से मेल नहीं खाता और पहले के इस्लामिक सिविल युद्ध में इस्लाम की सच्चाई को क्यों बदल दिया गया, जबकि पूरे संसार के मुसलमान ये विश्वास करते हैं कि उनका पवित्र शहर और अगुवा सऊदी अरब के मक्का में पाए गए। डैन गिब्सन का विचार है कि वास्तव में प्रमाण कुछ और ही संकेत करते हैं। मेरे अध्ययन में अरब इतिहास के बारे में ऐसे प्रमाण मिले हैं जो मक्का की ओर संकेत नहीं करते हैं, परंतु इस्लाम का पवित्र स्थान उत्तरी अरब में पाया जाता है। अभी तक किसी ने इस पर प्रश्न नहीं किया है कि मक्का इस्लाम का पवित्र शहर है। प्रत्येक मुसलमान ये विश्वास करता है कि उसे मक्का में काली चट्टान की ओर मुंह करके प्रार्थना करनी है, परंतु वर्षों के अध्ययन से और अरब उपद्वीप के सभी भागों में अनगिनत भ्रमण करने के बाद मुझे इस्लाम के इतिहास की एक नई समझ की ओर प्रोत्साहित किया। मैं विश्वास करता हूँ कि इस्लाम के इतिहास की प्रक्रिया में कोई मौलिक गलती हुई है। ये गलती जानबूझकर नहीं की गई थी, परंतु इस्लाम की स्थापना के समय गलतफहमी हुई थी, इसलिए बाद में इस्लाम के लेखकों ने जो ये समझते थे कि इतिहास में गलती है, उन्होंने उसे सही किया, जबकि वास्तव में वो सच था। क्या ये संभव है कि एक अरब से अधिक व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उसे गलत समझें कि कैसे और कहां उनके धर्म का आरंभ हुआ? और यदि ऐसा है तो औसत मुसलमान जो अपने नबी मोहम्मद के नियमों को मानना चाहते हैं, उनके लिए इन प्रमाणों का क्या आशय है? हमें इतिहास में समय की जांच करनी होगी और एक ऐसी व्यवस्था जो हम में से कुछ लोग ही समझ पाएंगे। सदियों से प्राचीन संसार तथा मध्य पूर्वी साम्राज्यों के इतिहास पर वाद विवाद होता रहा है, परंतु अरब के इतिहास के लिए बहुत कम प्रयास किया गया है। ये एक सच्चाई है न केवल पश्चिम के लिए परंतु अरबियों के लिए भी। नबी मोहम्मद का जन्म सन 570 में हुआ था। वास्तव में वर्ष और स्थान बहुत कम लोग जानते हैं। उनके दादा व पिता निबेतियन व्यापारी थे तथा मोहम्मद ने स्वयं एक व्यापारी महिला से निकाह किया। एक दिन मोहम्मद गुफा में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे कि स्वर्गदूत उनके पास आया। उस स्वर्गदूत ने अल्लाह की महिमा करने के लिए शब्द सिखाए। बाद में मोहम्मद की पत्नी ने ये उनको विश्वास दिलाया कि वास्तव में स्वर्गदूत आया था और उनको परमेश्वर का नबी बनने के लिए बुलाया गया है। उनके जीवन काल में वही स्वर्गदूत कई बार उनसे मिलने आया और हर बार नया रहस्य बताया। उनके पूरे जीवन काल के उन सभी रहस्यों को एकत्र करने के बाद आज हम उसे कुरान के रूप में जानते हैं। आदेल इशमरी ने इस्लाम के बारे में इस्लामिक कॉलेज कुवैत में अध्ययन किया। कुछ ही वर्षों में इनकी तथा डैन की अच्छी मित्रता हो गई और ये दोनों अक्सर विश्वास तथा उसके इतिहास के बारे में गहराई से वाद विवाद करते हुए पाए जाते थे। मोहम्मद का संदेश था, एक परमेश्वर है और मोहम्मद परमेश्वर का आखिरी नबी है। इससे मक्का में लोगों को बहुत क्रोध आया क्योंकि वो अन्य परमेश्वर की आराधना करते थे। वे बहुत सी मूर्तियों की पूजा करते थे। इसी कारण वहां के लोग बहुत क्रोधित हो गए। मोहम्मद और उनके अल्पसंख्यकों के विरुद्ध उत्पीड़न आरंभ हो गया। मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मदीना जाने का निर्णय लिया। मोहम्मद और उनके अनुयायी उत्पीड़न सह रहे थे, इस कारण वो अपने कुछ अनुयायियों के साथ मदीना भाग गए। अब वो शहर इस्लाम में परिवर्तित हो गया और मोहम्मद ने वहां एक सरकार की स्थापना की। और वास्तव में उसी समय से हम इस्लामिक कैलेंडर की तारीख आरंभ कर सकते हैं। कुछ समय बाद उनके अनुयायियों ने कारवाओं पर हमला करना आरंभ कर दिया। सत्ता व संख्या में बढ़ने लगे। अंततः उनके साथ और अधिक व्यक्ति जुड़ते गए और वो संपूर्ण अरब में शक्तिशाली सेना के रूप में स्थापित हो गए। मोहम्मद का ये दर्शन था कि इस्लाम को पूरे संसार में फैलाया जाए, परंतु अचानक उनकी मृत्यु हो गई और झगड़े आरंभ हो गए और उन झगड़ों ने गृह युद्ध को बढ़ावा दिया। परंतु इतनी भिन्नता और विभाजन होते हुए भी इस विश्वास के विस्तार का सपना संसार में लगातार बढ़ता गया। अंततः उत्तरी अफ्रीका का अधिक भाग और केंद्रीय एशिया को इस्लाम ने अपने नियंत्रण में ले लिया। आज संसार का दूसरा बड़ा धर्म इस्लाम है। आज के समय में पूरे मध्य पूर्वी क्षेत्रों में जब कंस्ट्रक्शन कंपनियां नींव के लिए गड्ढे खोदना चाहती हैं, तो पुरातत्व विभाग से वहां कोई उपस्थित होना आवश्यक है। चाहे आप यरूशलम, दमिश्क
यमन या यर्दन कहीं के भी रहने वाले हैं, आप जहां भी गड्ढे खोदते हैं वहां किसी भी रूप में पुराने तत्व मिलने के अवसर होते हैं। दक्षिणी अरब के मक्का शहर में सब स्थानों पर खोदकर बड़ी इमारत, होटल तथा गगनचुंबी इमारत बनाए गए हैं, परंतु पुरातत्व विवादों के लिए आश्चर्य की बात है कि मक्का शहर में कोई महत्वपूर्ण और प्राचीन शहर के पुराने तत्व नहीं मिले। मोहम्मद का जन्म एक प्रमुख शहर में हुआ था। यहाँ बड़े कारवां व आर्मी मार्चिंग में अधिक संख्या में व्यक्तियों को लाना कोई समस्या नहीं थी। न केवल वहाँ अच्छी जनसंख्या थी, परंतु वो कृषि शहर भी था। कुरान में मक्का शहर को सभी शहरों की माता माना जाता है। अरबी में इसका नाम अल कोरा है। ये एक अद्भुत शहर तथा पुरातन विनाश के साथ दीवारों के शहर की ओर संकेत करते हैं। एक बहुत बड़ा जाना पहचाना शहर है ये। नबी मोहम्मद अपने कार्य तथा यात्रा को इतनी दूर ले जाते जब तक कि मक्का की तंग घाटी व बहुत सी पहाड़ियों के बीच न पहुंच जाते। मोहम्मद की पत्नी आयशा ने ये उल्लेख किया कि कैसे एक व्यक्ति मक्का के लिए तरस रहा था। उसने कहा, उसके लिए मैं वादी में जो हर तरह के घास से भरी हुई है रात गुजारूंगा। जब हम मक्का आए, हमने पानी तथा पेड़ों का आशीषित नगर देखा और उससे प्रसन्नता मिली, हम वहीं ठहर गए। अल बुखारी ने एक कैदी के बारे में बताया जो चेन से बंधा हुआ था और अंगूर खा रहा था। उन्होंने कहा, मक्का में वो फलों का समय नहीं था। इन बातों पर जो मक्का के बारे में लिखी गई उन पर विश्वास करना कठिन है। मक्का के आसपास के क्षेत्र में चट्टाने व रेगिस्तान है। मक्का में प्रतिवर्ष 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इतने अधिक तापमान व बंजर स्थिति में शायद ही पर्याप्त सब्जी उगती होगी। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करने का सवाल ही नहीं उठता। तो भी इस्लाम के पवित्र शहर का वर्णन पेड़ों से भरे खेत तथा घास व अच्छी भूमि से किया जाता है, परंतु मक्का के आसपास कोई भी कृषि योग्य भूमि नहीं। ये प्राचीन विवरण से भिन्न है। इब्न इसहाक ने इस बात का उल्लेख किया है कि मक्का के निवासी धार्मिक क्षेत्र के पेड़ों को काटने के विरुद्ध हैं। प्राचीन काल में पेड़ पौधों की उपस्थिति प्राचीन समय को अनछुई मिट्टी में उपस्थित पराग और बीजाणुओं की जांच द्वारा सरलता से की जा सकती है। आज तक प्राचीन मक्का में एक भी पेड़ होने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एक अन्य दुविधा ये है कि अरब के पहले मानचित्रों में मक्का का शहर कहीं भी नहीं है। इतने बड़े व्यवसायी शहर का उल्लेख अरब के पहले मानचित्र में होना चाहिए, परंतु ऐसा कोई भी मानचित्र नहीं है जिसमें इस्लाम से पहले मक्का का उल्लेख हो। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अरब के बहुत पुराने मानचित्र की कॉपी एकत्र की। बहुत मेहनत से मैंने उनका अनुवाद किया, लेकिन इस्लाम से पहले किसी भी मानचित्र में मक्का का उल्लेख नहीं देखा। क्या आप जानते हैं कि 740 एडी से पहले किसी भी साहित्य में मक्का का नाम नहीं आया है? ये बहुत ही दुविधापूर्ण है कि इस्लाम के इतिहास के 120 वर्ष पश्चात किसी भी करीबी देश को मक्का के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी। ये बहुत ही दुविधापूर्ण है कि इस्लाम के इतिहास के 120 वर्ष पश्चात किसी भी करीबी देश को मक्का के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी। अन्य देश कैसे एक बड़े शहर को अनदेखा कर सकते थे जिसमें हजारों व्यक्तियों की सेना थी, जिसमें कृषि, पेड़, घास तथा अंगूर थे? कैसे एक प्रमुख शहर जो व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जिसमें दीवारें, मंदिर और सार्वजनिक इमारतें थीं, अन्य देशों के अभिलेखों में नहीं आया? सबसे दुविधापूर्ण ये है कि इसके भौतिक स्थान पर हमें कोई आरंभिक पुरातत्व का अभिलेख नहीं मिलता था। वो एक महत्वहीन स्थान था, यहाँ तक कि वो व्यापार मार्ग पर भी नहीं था। आज बहुत से इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस्लाम की स्थापना के लेख कथाएं काल्पनिक हैं। ये प्रत्यक्ष है कि जो इस्लाम के रिकॉर्ड हमें बताते हैं तथा पुरातत्व वैज्ञानिकों ने जो पाया है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस्लाम के अभिलेख मनगढ़ंत कहानियां हैं। मेरे वर्षों के अध्ययन से मैं ये समझ गया हूँ कि पहले के रिकॉर्ड्स काल्पनिक नहीं हैं, परंतु उनका उल्लेख अलग स्थान पर किया गया है जो इस विवरण में सही है। मैं विश्वास करता हूँ कि मोहम्मद का जन्म हुआ और वो किसी अन्य स्थान में बड़े हुए, तथा मुसलमान गलत दिशा की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। इस्लाम के इतिहास में सामान्य रूप से यह स्वीकार किया गया है कि मक्का शहर में काबा एक प्रमुख पवित्र स्थान है और यह अरब में तीर्थ स्थान का केंद्र है। ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है
कि इस्लाम की स्थापना से पहले तीर्थ स्थानों का अध्ययन किया जाए। इतिहासकार तबारी के रिकॉर्ड के अनुसार दो प्रकार के तीर्थ स्थान हैं, हज व उमरा। एक बड़ा तीर्थ स्थान तथा एक छोटा तीर्थ स्थान। मोहम्मद के दादा इस्लाम से पहले उमरा करते थे। ये उमरा मोहम्मद के समय से पहले उस समय का है जब अरब के तीर्थ स्थान पश्चाताप के लिए एकत्र होने का स्थान के नाम से जाने जाते थे। इस स्थान में बहुत से मूर्ति पूजक थे। ये नाम इस्लाम के पहले से उपस्थित हैं। मुसलमान आज भी इन्हीं नामों का प्रयोग करते हैं। ये नाम बाहरी हैं, ये इस्लामिक नहीं हैं। ये समझने के लिए कि इस्लाम से पहले के अरब में क्या हो रहा था, हमें प्राचीन अरब के पवित्र स्थानों की महत्वता को समझना जरूरी है। मध्यम पूर्वी क्षेत्रों के धर्मों के परमेश्वर विश्वव्यापक होने के बदले एक समान होते हैं। इतिहास के आधुनिक पाठक काफी समय तक ग्रीस और रोम पैंथान के परमेश्वरों की परिकल्पना से प्रभावित थे। प्राचीन अरब के क्षेत्रीय ईश्वरों का महत्व समझने में असफल रहे हैं। प्राचीन अरब के ईश्वर मेसोपोटामिया, मिश्र व ग्रीस में रहते थे। वो परमेश्वर थे और ऐसे ही अन्य भी थे। अरब व्यापारी जिस क्षेत्र से जाते थे उस स्थानीय परमेश्वरों का आदर करते थे। वे विभिन्न क्षेत्रों के परमेश्वर के विरुद्ध नहीं थे, वो इस बात के विरुद्ध थे कि इंसान और जानवर परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। वे ज्यामितीय आकारों को महत्ता देते थे। उदाहरण के लिए, यहाँ एक खंड के आकार का परमेश्वर है और वहाँ एक त्रिकोणीय आकार का परमेश्वर है। ये सभी परमेश्वर स्थानीय परमेश्वर माने जाते थे और जब वो क्षेत्र से गुजरते थे तो उनको आदर देना अनिवार्य था। धर्म की ऐसी राय वास्तविक रूप में हमें ये दर्शाती है कि कुछ क्षेत्र और जगहें कुछ भगवानों के लिए पवित्र हैं। इसीलिए मंदिर के आसपास के क्षेत्र जैसे विशेष पहाड़ी या सुदूर रेगिस्तान क्षेत्र पवित्र स्थान माने जाते हैं। एक अहाता हो सकता है जहाँ लोग जमा हो सकते हैं, यहाँ तक कि अपने शत्रु के साथ भी सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि सीमा के पवित्र अहाते में हिंसा मना है। दक्षिणी यर्दन में जब पर्यटक इस वादी रम की राजमर्यादा की सुंदरता में प्रवेश करते हैं तो अक्सर उत्तम तथा ऊंची नीची पहाड़ियों की सुंदरता में इतना खो जाते हैं कि वो मंदिर जिसे कुछ लोग देवी लाट या अलाट को समर्पित किया गया मंदिर कहते हैं वो छूट जाता है। इस नबेतियन मंदिर में एक पवित्र क्षेत्र था। पवित्र क्षेत्र मंदिर के सामने पहाड़ों तक स्थित था। इस्लाम से पहले अरब बहुत से समूहों में बटा हुआ था। वो विभिन्न परमेश्वर की आराधना किया करते थे और अक्सर जाति के विषयों पर आपस में लड़ाई करते थे। एक चीज जो उन्हें जोड़ती थी वो थी सबका एक साथ मिलकर एक प्राचीन तीर्थ स्थान पर जाना। कुरान में इसे मस्जिदुल हराम या एकत्र होने का वर्जित स्थान कहते हैं। मस्जिद का अर्थ है एकत्र होना और आज इसका अनुवाद मस्जिद है। इस्लाम से पहले कोई मस्जिद नहीं थी, इसलिए मस्जिद एकत्र होने का सिर्फ एक साधारण स्थान था। एकत्र होने का वर्जित स्थान शरणार्थियों के लिए एक पवित्र स्थान है जहां लगातार गतिविधियों तथा हिंसा को वर्जित किया जाता था। इसका मतलब था हराम। हराम या वर्जित का संदर्भ इस्लाम में बहुत मजबूत है। वर्जित मस्जिद का वर्णन कुरान में किया गया है और वो इस्लाम का पवित्र शहर था। मस्जिद अल हराम का पूरा आसपास का क्षेत्र वर्जित क्षेत्र था। अल्लाह ने मक्का को एक पवित्र धार्मिक स्थल बनाया। ये पहले भी धार्मिक स्थल था और भविष्य में भी रहेगा। किसी को इसकी झाड़ियों को उखाड़ने, पेड़ों को काटने या शिकार करने की अनुमति नहीं है। इसलिए हमारे पास इस्लाम के मौलिक पवित्र शहर के दो वर्णन हैं। एक हराम स्थान था जहां मरना मना था और इस्लाम की स्थापना से पहले यह स्थान सदियों से तीर्थ का केंद्र था। अब ये देखें, अधिकतम भित्री चित्र जो पूरे नेगियों और दक्षिण यर्दन में पाए गए वो प्राचीन शहर पेट्रा के तीर्थ स्थान में गए हुए व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं। पेट्रा के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते हुए हजारों व्यक्तियों ने अपने नाम व संदेश चट्टानों पर खोदे। इससे हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न हुई। इस्लाम के पहले व उसके उदय के समय के मानचित्रों व साहित्य में मक्का अज्ञात है, इसलिए ये विवरण जैसे व्यापार के रास्ते का केंद्र, सभी शहरों की माता तथा प्राचीन तीर्थ स्थान का केंद्रीय बिंदु मेल नहीं खाते। हम इसका समाधान कैसे करें? इसका उत्तर
स्वयं इस्लाम में मिलता है। वर्तमान समय में सभी मस्जिदों में किबला की दिशा काबा की ओर होती है। मस्जिदों में एक स्थान जिसे मेहराब कहते हैं, वहां इमाम खड़े होते हैं और आराधना करने वालों की अगुवाई करते हैं। परंतु पहले के समय में मेहराब नहीं होते थे, इसके बदले एक दीवार किबला दिशा की ओर होती थी। पूरी इमारत काबा की ओर इशारा करती है। इस्लाम में विश्वव्यापी रूप से समझा जाता है कि किबला दक्षिणी अरब में मक्का की ओर है। आज कोई भी किबला की दिशा पर प्रश्न नहीं करता। वैसे भी कुरान मुसलमानों को बताती है कि उनके पास किबला है। कुरान में ऐसे किसी शहर का नाम नहीं दिया गया है जिससे मूल रूप से प्रार्थनाएं की जाती हैं। इसमें केवल मस्जिद अल हराम या एकत्र होने का वर्जित स्थान के लिए बताया गया है। मुसलमान विश्वास करते हैं कि वास्तव में प्रार्थना यरूशलेम की ओर होती थी। इस्लाम के सूत्रों के अनुसार 624 एडी में मोहम्मद ने किबला को स्थान बदलकर मक्का कर दिया। मोहम्मद ने यह कुरान के सूरा 2 में उजागर किया है। इस प्रकार से हमने किबला आपके लिए तय कर दिया। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था, केवल उन लोगों को छोड़कर जिनका अल्लाह मार्गदर्शन करता था। अल्लाह कभी भी तुम्हारे विश्वास को प्रभाव रहित न करेगा। अब हम आपको उस किबला की ओर ले चलेंगे जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। अपना चेहरा मस्जिद अल हराम की दिशा की ओर घुमाएं। आप जहां हैं वहां अपना चेहरा उस दिशा की ओर घुमाएं। अरब उपद्वीप के इतिहासकार होने के नाते मुझे सदा वास्तविक किबला का क्षेत्र ढूंढने में रुचि रही है। किबला का स्थान बदलने से पहले किस दिशा में मोहम्मद प्रार्थना किया करते थे? जैसे कुछ व्यक्ति कहते हैं, क्या वो यरूशलेम था, क्या वो सीरिया या कोई अन्य दिशा थी? यदि ये अध्ययन हम 100 वर्ष पहले करते तो उसके लिए बहुत अतुल्य काम व शोध की आवश्यकता होती। हमें विश्व में घूमकर प्राचीन स्थानों में इस्लाम की प्रारंभिक मस्जिदों को ढूंढना पड़ता। अब कुछ क्षणों में हम वो कर सकते हैं जिसको करने के लिए जीवन भर लग जाता है। गूगल अर्थ के द्वारा हम अंतरिक्ष से नीचे धरती पर स्थलों को देख सकते हैं और आर्कनेट जैसी वेबसाइट के द्वारा सैकड़ों विद्यार्थी और प्रोफेसरों के शोध को जोड़ सकते हैं। हम ढांचों की विभिन्न मापदंडों के द्वारा जांच कर सकते हैं। हम इस्लाम की इमारतें चुनते हैं, उनको तिथि अनुसार लगाकर पुरातत्व की सूची बनाते हैं, फिर वे कब बनी हैं उसकी निश्चितता करते हैं। गूगल अर्थ के द्वारा किबला की दिशा की जांच करके और इन सब बातों को जोड़कर इस बात को निर्धारित करते हैं कि किबला की दिशा कब मक्का की ओर बदली। अब किबला की दिशा की निश्चितता करना एक सटीक विज्ञान नहीं है। पहले भी कुछ मस्जिदों का आकार चौकोर नहीं था, इसलिए शोधकर्ताओं को किबला की दीवार ढूंढने की आवश्यकता हुई और उस दीवार से 90 डिग्री की ओर प्रोजेक्ट करना, क्योंकि पहले की इमारतों में चौकोर दीवार नहीं बनाते थे। हम साइड या पीछे की दीवार का प्रयोग नहीं कर सकते। ये मेहराब बहुत पुरानी मस्जिद का है। पहले के अरबियों ने किबला को दिशा देने के लिए सितारों का प्रयोग किया, जो कि बहुत हद तक सही था। किबला की दिशा की निश्चितता करने का सबसे अच्छा सही तरीका है मस्जिद में जाएं तथा वास्तविक सही GPS यूनिट का प्रयोग करें। हम प्राचीन मस्जिद को अध्ययन के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। समय के साथ बहुतों का पुनर्निर्माण किया गया है, इतना कि अब ये संभव नहीं है कि किबला की वास्तविक दिशा की निश्चितता हो सके। परंतु कुछ मस्जिदें अभी बची हैं, जैसे कि मदीना में एक मस्जिद है जिसे 2 किबला की मस्जिद कहते हैं। इस्लाम का इतिहास बताता है कि पहले की मस्जिद में प्रार्थना की अगुवाई करने वाले के साथी ने किबला के बदलाव के बारे में बताया, इसलिए उसने मक्का की ओर मुड़कर प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। प्रश्न यह है कि वास्तव में उसका मुंह किस ओर था। मुसलमानों के पास इसका उत्तर तैयार है, वो यरूशलेम की ओर प्रार्थना कर रहा था। अब आज भी 2 किबला की मस्जिद की दिशा मक्का की ओर है, परंतु 1987 में मस्जिद बिल्कुल टूट गई थी ताकि इसे दोबारा बनाया जा सके। कंस्ट्रक्शन की विधि में पुरानी नींव उजागर हुई और उन्हें किबला की दीवार प्राप्त हुई जो उत्तर दिशा की ओर थी। इसलिए मुसलमान विश्वास करते हैं कि वास्तव में किबला यरूशलेम की ओर है। इसकी आसान तरीके से पुष्टि की जा सकती है। यदि हम शुरुआती मस्जिदों पर जाएं, तो वो ऐसे बनी हुई हैं कि हम प्रार्थना की दिशा को पहचान सकते हैं। हम उन्हें मानचित्र पर बना सकते हैं और देखें कि उनकी रेखाएं जुड़ती हैं। हम इन तीनों में से एक उत्तर पाएंगे। वो सभी विभिन्न दिशाओं की ओर इंगित करती हैं। वे सभी यरूशलेम की ओर इंगित करती हैं। वे सभी किसी और दिशा की ओर इंगित करते हैं।
दक्षिणी अरब की दो किबला वाली मस्जिद के अतिरिक्त ऐसी 11 और शुरुआती मस्जिदें हैं जिन पर शोध किया जा सकता है। ये चीन, मिस्र, दक्षिणी यर्दन, लेबनन, केंद्रीय यर्दन, यमन, इजराइल, इराक, यरूशलम, पश्चिमी बैंकॉक तथा आखिर में लेबनान में स्थित है। इसलिए जिस क्रम से ये बनी है, यदि उस क्रम से जाएं, तो दूसरी मस्जिद जो बची हुई है वो ग्वांगझो चीन में है, जिसे पहले कैंटन शहर के नाम से जाना जाता था। 1300 एडी में जब मार्को पोलो इस शहर में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 100,000 से अधिक अरब व पारसी व्यापारी यहाँ रहते हैं। अरबी चीनियों के साथ सैकड़ों वर्षों से व्यापार करते आ रहे हैं। इन सब के बहुत अच्छे दस्तावेज बने हुए हैं, इसलिए अबू बकर मोहम्मद के चाचा व्यापार के संबंध में चीन गए और चीन की हस्तलिपि के अनुसार उन्होंने वहां 627 एडी में अरबियों के लिए कैंटन शहर में एक मस्जिद बनाई। ये समय इस्लाम की स्थापना के 6 साल बाद का था। मैंने निजी रूप से मस्जिद की जांच की है और मस्जिद की क़िबला दिशा की निश्चितता जानने के लिए GPS यूनिट का प्रयोग किया है। मैंने जो वहां पाया वो आश्चर्यजनक था। इस मस्जिद की दिशा मक्का की ओर नहीं थी, वो मक्का के उत्तर की ओर 1-2 डिग्री की दिशा में थी, अर्थात यरूशलम की ओर भी नहीं थी। क़िबला का मार्ग यरूशलम के दक्षिण की ओर था। अगली मस्जिद 641 ईस्वी में इस्लाम की स्थापना के 20 वर्ष बाद फुस्टैट नगर, जो कि काहिरा के बाहर है, वहां बनी। ये मस्जिद दोबारा बनी और कितनी बार इसे बढ़ाया गया, इसलिए आज इस नींव का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है, परंतु मस्जिद की मूल जमीनी योजना का वर्णन अभी भी है। और इस्लाम के रिकॉर्ड बताते हैं कि पहले क़िबला की दिशा पूर्व दिशा में थी, बाद में सही करके उसे दक्षिण की ओर मक्का की तरफ कर दिया गया। अगली बची हुई इमारत उमैद का महल हुमैमा में बनी, जो दक्षिणी यर्दन में स्थापित है। लगभग 700 एडी या इस्लाम की स्थापना के 80 वर्ष पश्चात अब्बास परिवार ने यहाँ एक बड़ा सा घर बनाया। इस घर में विशेष रूप से कोई मस्जिद का क्षेत्र नहीं था, इसके बदले आंगन में प्रार्थना के लिए सभी विश्वास से मिला करते थे। इस घर में क़िबला की दिशा पाई जाती है, परंतु वो यरूशलम की ओर नहीं थी। इसके बाद एक नई मस्जिद बालबेक लेबनान में बनाई गई। ये ध्यान दिया जाए कि इसकी क़िबला की दिशा मक्का की ओर नहीं थी। एक वर्ष बाद उमायदों ने बड़ा व प्रभावशाली पैलेस सिटाडेल अमान यर्दन में बनवाया। ये मस्जिद दक्षिण की ओर इशारा करती है, मक्का भी वही है। इसके कुछ वर्षों बाद 705 ईस्वी या इस्लाम की स्थापना के 84 वर्षों बाद मुसलमानों ने बड़ी मस्जिद सना यमन की राजधानी में बनाई। वैसे तो ये मस्जिद मक्का की सामान्य दिशा की ओर इंगित करती है, पर वास्तव में ये यरूशलम से थोड़ा पश्चिम की ओर इंगित करती है। इसके बाद 706 एडी में उमायद मुसलमान शासकों ने खिरबत अलमेनिया एक बड़ा महल इजराइल में गलील के किनारे बनवाया। इस महल के परिसर में विशेष कमरा मस्जिद के लिए प्रयोग किया जाता है। इस महल के दरवाजे पर लिखे शिलालेख के अनुसार इसे इस्लाम की स्थापना के 87 वर्ष बाद मुसलमान शासक अल वलीद ने बनवाया। इसकी इमारत व मस्जिद की दिशा यरूशलम की ओर नहीं है। उसी वर्ष मुसलमानों ने इराक में वासित मस्जिद बनवाई। वास्तविक पुरातत्वकारों ने दावा किया है कि ये मस्जिद यरूशलम की ओर संकेत करती है, परंतु बाद के शोध दर्शाते हैं कि यह मस्जिद यरूशलम के दक्षिण की ओर संकेत करती है। इससे अगली मस्जिद अल अक्सा मस्जिद यरूशलम में ही है। ये मस्जिद मंदिर का गुंबद नहीं है, परंतु एक पुरानी मस्जिद जो गुंबद के दक्षिण की ओर है। ये मस्जिद यरूशलम में ही है, परंतु इसमें किबला भी है और जो मक्का की ओर इंगित नहीं करती। अगली मस्जिद 724 ईस्वी इस्लाम की स्थापना के 103 वर्ष बाद बनाई गई। ये खिरबत अल मफजर मस्जिद यर्दन घाटी के पास यरीहो में है। ये महल तब बनाया गया जब उमायद वंश समाप्ति पर था। इसकी जमीनी योजना को देखकर हम बता सकते हैं कि ये महल और उसकी मस्जिद की दिशा मक्का की ओर न होकर दक्षिण की ओर है। उसी वर्ष एक मस्जिद बेरूत से 58 किलोमीटर दूर अंजार में बनाई गई।
यह उमैद के अंतिम समय के आसपास बनाई गई और लगभग 30 वर्ष बाद यह गिरकर नष्ट हो गई। अंत में इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसके बाद से इसे दोबारा नहीं बनाया गया। हम आसानी से किबला की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं, जो मक्का या यरूशलम किसी की ओर भी इंगित नहीं करती। अब हम इन सब को एक मानचित्र में लगाते हैं। इसका नतीजा अद्भुत है। इस्लाम के 100 वर्षों के बीच में जितनी भी बची हुई मस्जिदें थीं, हमने उन सब को देखा और वो सब 100% उस जगह की ओर इंगित करती हैं, जो मक्का में नहीं परंतु दक्षिणी यर्दन में था। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी ओर से मस्जिद इसी दिशा की ओर इंगित करती है। किबला की दिशा की निश्चितता के लिए ये कोई छोटी गलती नहीं है। ये सब विशेष रूप से एक स्थान की ओर संकेत करती हैं। इस संकेत बिंदु के बिल्कुल अंतर्गत पेट्रा का प्राचीन शहर है। ये वो शहर है जिसे आज हम सब अच्छे से जानते हैं। ये एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थान है। पूरे संसार से यहाँ पर्यटक इस शहर में बड़े मंदिरों तथा स्मारकों की प्रशंसा करने आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुरान में जिस शहर को सभी शहरों की माता बोला गया है वो पेट्रा हो? यह शहर प्राचीन अरब तीर्थों का केंद्र था। तो क्या पेट्रा मोहम्मद का जन्म स्थान भी थी और क्या इस्लाम की स्थापना का शहर भी था? डैन, ये अजीब बात है। आप कहते हैं कि ये पेट्रा है, परंतु बुखारी कहते हैं कि यरूशलेम है। हमें क्या सोचना चाहिए? हम कैसे इसे स्वीकार कर लें जब बुखारी कहते हैं कि ये यरूशलेम है? प्रत्येक अच्छा मुसलमान मुझे बताता है कि मुसलमान यरूशलेम की ओर प्रार्थना करते हैं। वो ये इसलिए जानते हैं क्योंकि बुखारी ने उन्हें ऐसा बताया है, और मैं इससे सहमत हूँ। बुखारी कहते हैं कि वो यरूशलम था, परंतु बुखारी मोहम्मद के 200 वर्ष बाद लिखा और किबला के बदलने के 100 से अधिक वर्ष बाद ये लिख रहे हैं। इसलिए वो आंखों से देखे गवाह नहीं है, परंतु जो लोगों को याद है उन्होंने उसे एकत्र किया है, और वास्तव में उन्होंने सैकड़ों मतभेद के विचारों को लिखा जो उस समय चर्चा में थे। क्यूबा में जब कुछ व्यक्ति सुबह की प्रार्थना कर रहे थे, एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा, एक कुरान का आदेश अल्लाह के शिष्य पर उजागर हुआ है कि वो मक्का के काबा की ओर मुंह करें, इसीलिए तुम अपने चेहरे भी उस ओर मोड़ लो। उस समय उनके चेहरे सीरिया की ओर थे, और ये सुनकर वो मक्का में काबा की ओर मुड़ गए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि वास्तव में जब मोहम्मद मदीना में रहते थे तो उत्तर दिशा में पेट्रा की ओर प्रार्थना करते थे, जो रोम के प्रांत सीरिया में है। जब बुखारी अपनी कहानियां एकत्र कर रहे थे उस समय व्यक्ति पेट्रा को भूल गए और प्रत्येक अपने दादा परदादा को याद करते थे जो सीरिया की ओर प्रार्थना किया करते थे। देन कुरान हमें ये बताती है कि मस्जिद अल हराम बक्का में है, इसीलिए वास्तविक स्थान कहाँ है? जो बक्का के बारे में बहस करते हैं वो एक रुचिकर पॉइंट को सामने लाते हैं। मैं इस्लाम के साहित्य से सहमत हूँ। इसमें बक्का का नाम इस्लाम के पहले पवित्र शहर का पर्यायवाची है। जब मोहम्मद एक युवा व्यक्ति थे तब कुछ व्यक्तियों ने काबा को दोबारा बनाने का निर्णय लिया। मलबे में उन्हें इमारत के बहुत से ब्लॉक मिले जिन पर सीरियक भाषा से शिलेख लिखे हुए थे, जो कि नेपेतियन की भाषा थी। उन्हें एक यहूदी मिला जो उनके लिए अनुवाद कर सकता था। मैं अल्लाह हूँ, बक्का का परमेश्वर। मैंने उसको उसी दिन बनाया जब मैंने स्वर्ग व पृथ्वी, चांद व सूर्य बनाए, और उसके आसपास 7 पवित्र स्वर्ग दूतों को रखा। ये खड़ा रहेगा जब इसके 2 पहाड़ दूध और पानी के साथ इसके लोगों के लिए आशीष का कारण बनकर खड़े रहेंगे। शब्द बक्का एक प्राचीन यहूदी शब्द है जिसका अर्थ रोना या विलाप करना है। यदि किसी स्थान का नाम बक्का रखा जाए तो इसका अर्थ रोने का स्थान होगा। ये नाम बक्का यरूशलम के लिए कभी प्रयोग नहीं किया गया। ये बाइबल में भजन संहिता 84 में केवल एक बार आया है। यहाँ इसे रोने की तराई के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, परंतु कुरान भी रोने की तराई के बारे में बताती है जब हाजिरा इस्माइल के लिए रोती है। कुरान ये बताती है कि ये कहानी बक्का में घटी, जो कि लोगों के लिए पहले का नाम था जहाँ काबा बनाया गया। निश्चित रूप से यह स्थान यरूशलम नहीं है जिसे पहाड़ों की ऊंचाई पर बनाया गया है, तराई में नहीं। मैं सोचता हूं कि उत्तर बहुत सरल है। वहां पेट्रा में बहुत बड़े भूकंप आए थे, जैसे 551 एडी में आया, मोहम्मद के जन्म से केवल 19 वर्ष पहले। हमें बताया जाता है कि भूकंप के समय बहुत सा पेट्रा का क्षेत्र नष्ट हो गया। पेट्रा को शायद बक्का की तराई कहा जाता था।
क्योंकि इतने वर्षों में भूकंपों के कारण बहुत व्यक्ति मारे गए हैं। अगर पेट्रा इस्लाम का पवित्र शहर है तो वहां पेट्रा के आसपास कुरैश मोहम्मद की जनजाति का प्रमाण होना चाहिए। यदि डैन गिब्सन मोहम्मद की जनजाति ढूंढ पाते तो उनके मत को बहुत बड़ा योगदान मिलता कि मोहम्मद पेट्रा क्षेत्र से थे, मक्का से नहीं। बहुत पहले यह हावर का शहर के नाम से जाना जाता था, या आज के समय में हुमेमा। पुरातत्वकारों ने एक फार्म हाउस के बारे में बताया जो अब्बासिद परिवार की संपत्ति थी। कुछ समय बाद वहां एक मस्जिद बनाई गई। जब इराक के मुसलमानों ने दमिश्क के उम्मियादों को हराया था तो वे ये चाहते थे कि मोहम्मद के परिवार का एक सदस्य उनके विद्रोह का साथ दे और न्याय संगत ठहराए। इसलिए वो पेट्रा से 27 मील दूर हुमेमा आए। यहीं पर उन्हें मोहम्मद का परिवार तथा कुरैश जनजाति मिली। वे दक्षिणी अरब के मक्का या मदीना नहीं गए, वे पेट्रा से 27 मील दूर हुमेमा आए थे। यहां उन्होंने कुरैश जनजाति तथा मोहम्मद के परिवारों को पाया, दक्षिणी अरब में नहीं। अभी तक हमने खोज की कि पहले की इस्लाम की सभी मस्जिदें प्राचीन शहर पेट्रा की ओर होती थीं, परंतु क्या पेट्रा शहर इस्लामी लेखों के अनुसार वास्तविक पवित्र शहर से मेल खाता है? मोहम्मद की जीवनी लिखने वाले प्रारंभिक लेखकों ने एक कहानी बताई थी जो मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला से संबंधित है। वो एक दिन खेतों में काम कर रहे थे और जब वो अपने घर वापस आए तो उनके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी। वो अपनी पहली पत्नी के पास गए और कहा, मेरे साथ लेटो, परंतु उसने मना कर दिया क्योंकि वो बहुत गंदे थे। इसलिए वो बाहर गए, मिट्टी धोई और अपनी दूसरी पत्नी अमीना के पास गए। वो गर्भवती हुई और इस तरह मोहम्मद का जन्म हुआ। हमारे लिए इस कहानी में ये महत्वपूर्ण है वो है कि पहले के लेखक अब्दुल्ला के हाथ की मिट्टी के लिए एक जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। वो मिट्टी के लिए अरबी शब्द का प्रयोग करते थे, विशेष रूप से कृषि के मैदान या प्लॉट की मिट्टी। समस्या ये है, मक्का के आसपास कोई कृषि भूमि नहीं है। जब हम पेट्रा आते हैं तो वहाँ पानी, खेतों तथा पेड़ों को पाते हैं। पुरातत्वकारों के अनुसार वहाँ निजी व सार्वजनिक बगीचे हैं। इसके साथ ही पानी को नहरों व मिट्टी के पाइपों द्वारा शहरों में लाया जाता है। पुरातत्वकारों ने यह वर्णन किया है कि प्राचीन पेट्रा में फलों के वृक्ष, अंगूर तथा बगीचों की मौजूदगी थी। पेट्रा और अलबेदा, जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उनके बीच आज भी कृषि योग्य भूमि है। प्राचीन मिट्टी का विश्लेषण करने पर शोधकर्ताओं ने पाया है कि केवल 100 वर्ष पहले पेट्रा के आसपास के पहाड़ पेड़ों से ढके हुए थे, जिसमें बलूत, जूनिपर, पिस्ता तथा कैरब शामिल हैं। पवित्र शहरों में न केवल पेड़ तथा खेत थे, परंतु ये दीवारों का भी शहर था, इब्ने इशाक कहते हैं। वे उसे चारों ओर से घेरे रहते थे जब वो मक्का की बहुत सी दीवारों में से एक दीवार की तरफ खड़े थे। अब ये दुविधा की बात है क्योंकि मक्का दीवारों का शहर नहीं था। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि शायद मक्का में घर था, परंतु इब्ने इशाक विशेष रूप से ये कहते हैं, मक्का की दीवारें परंतु मक्का दीवारों का शहर नहीं था। तो पेट्रा के बारे में क्या? पेट्रा को तराई में बनाया गया था। तराई के दोनों ओर चट्टानों के साथ बड़े पहाड़ थे। वो बड़ी चट्टानें शहर की दीवारों की तरह अच्छी थीं, इसलिए पेट्रा के लोगों ने एक पहाड़ की चट्टान से अन्य पहाड़ की चट्टान तक दीवार बनाई, तराई की दोनों ओर, इस ओर भी उस ओर भी। इसलिए पेट्रा दीवारों का शहर है। पेट्रा में अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें एक बहुत सी अद्वितीय धारा भी शामिल है। अब प्रायः तराई के एक तरफ पहाड़ होते और दूसरी तरफ पहाड़ होते हैं और नीचे बहती धारा तराई के बीच में होती है, परंतु इस केस में बहुत समय पहले भूकंप के कारण पहाड़ चटक गए थे और उसमें दरार आ गई थी। पानी उन्हीं दरारों से बहता हुआ तराई से होता हुआ दूसरी ओर जाता है। नबेतियनों ने स्तंभ की पंक्ति एक पहाड़ से दूसरे तक बनाई। इसके साथ ही वर्षा का पानी का रास्ता भी था। आइए इससे आगे देखते हैं। इस्लाम के तीर्थ यात्रियों की ये ड्यूटी होती है कि उनको 7 बार 2 पहाड़ों के बीच से निकलना होता है, जिनका नाम मारवा और साफा है। एक रुचिकर बात अल बुखारी ने बताई कि मोहम्मद ने 2 पहाड़ों के बीच में वर्षा के पानी में दौड़ना पसंद किया।
परंतु वहाँ समस्याएं थी। मारवा व साफा छोटी चट्टानें थीं। आज ये दोनों मस्जिद की इमारत के अंदर हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि दोनों चट्टानों के बीच में कोई वर्षा के पानी का रास्ता नहीं है, परंतु ये वर्णन पेट्रा में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के लिए बिल्कुल सही है। पेट्रा की घाटी में जाने के चार रास्ते हैं, क्योंकि पेट्रा एक तराई में है। कोई भी व्यक्ति इस तराई में दोनों में से किसी भी तरफ से अंदर आ सकता है। मक्का के विजयी वर्ष के दौरान नबी ने मक्का में ऊपरी भाग से प्रवेश किया, परंतु पेट्रा में दाखिल होने के लिए अन्य मार्ग भी थे। प्राचीन लेख बताते हैं कि पवित्र शहर में प्रवेश और निकास के लिए चट्टान में दरार डालकर भी कर सकते थे। अरबी भाषा में इसे थानिया कहते हैं। अल बुखारी ने इसका बहुत बार वर्णन किया है। अल्लाह के शिष्य मक्का में दाखिल होने के लिए ऊंचे थानिया तथा वहां से बाहर निकलने के लिए नीचे थानिया का प्रयोग करते थे। नबी तब तक आगे बढ़ते जाते थे जब तक कि वो थानिया के द्वारा कुरैश के लोगों तक न पहुंच जाते। वहां दो थानिया प्रवेश द्वार हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध सिख है, जिसमें से होकर पर्यटक शहर में प्रवेश करते हैं। दूसरा खंभों की पंक्तियों से थोड़ी दूरी पर है और यह रास्ता कैनियंस की भूलभुलैया की ओर जाता है, जो आखिर में वादी अरब में जाकर खाली हो जाता है, जो कि मृत सागर के नीचे है। पेट्रा में भी बहुत से मंदिर हैं। वहां पर वो मंदिर हैं जो आज शेरों के पंख वाला मंदिर कहलाता है, या अल उजा का मंदिर। मेरे पीछे वो है जो आज कसर अल बित कहलाता है, या फिर दुशारा परमेश्वर का मंदिर। छोटी पहाड़ों की श्रृंखला जो यहाँ है परमेश्वर का घर था, और यहाँ पहाड़ों के बिल्कुल बीच में परमेश्वर अल दुशारा का मंदिर है। अब इब्ने हिशम ने हमें एक रुचिकर कहानी सुनाई। ये इस्लाम के इतिहास की प्रारंभिक बात है। उस समय बहुत कम व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म में आए थे। इनमें से एक व्यक्ति मक्का का अल तुफैल बिन उमर के नाम से जाना जाता था। उसने एक यात्रा के दौरान इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। जब वो घर लौटकर मक्का आए, उनकी पत्नी ने भी इस्लाम धर्म स्वीकार करने का निर्णय लिया। अल तुफैल ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दुशारा मंदिर जाकर अपने आप को वहाँ स्वच्छ करे। उस पवित्र क्षेत्र में पानी धीरे धीरे टपक रहा था, जहाँ वो अपने आप को साफ कर सकती थी। वहाँ वो साफ हुई और घर वापस आकर इस्लाम के बारे में सीखा। क्या ये कहानी मक्का में हुई थी, हजारों किलोमीटर दूर तक, जहाँ दुशारा मंदिर नहीं है, या ये कहानी यहाँ पेट्रा में घटी? यदि यहाँ घटी है तो दुशारा मंदिर यहाँ है। वो यहाँ इस मंदिर में आई होंगी, अपने आप को साफ किया होगा और फिर घर गई होंगी। क्या दक्षिणी अरब मक्का में दुशारा का मंदिर है? नहीं, यहाँ कोई मंदिर नहीं है। किसी चट्टान में दरार नहीं है, कोई पानी की नहर नहीं है, कोई दीवारों का शहर नहीं है, कोई घास नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब यहाँ पेट्रा में है। पहले 100 वर्षों में पूरे इस्लामिक संसार में प्रत्येक मस्जिद अल हराम व वर्जित एकत्र होने का स्थान जो पेट्रा में स्थित है उस ओर इंगित करती थी। संसार में ऐसा कोई अन्य शहर नहीं है जिसमें ये वर्णन के अनुसार सही हो। अरब की आवाज अल खताब ने जैद को इतना परेशान किया कि उसे जबरदस्ती मक्का के ऊपरी हिस्से में जाना पड़ा और उसे हिरा के पहाड़ों में शहर की ओर रहना पड़ा। इस संदर्भ में ये नोट करना रुचिकर है कि हीरा पहाड़ मक्का के ऊपरी हिस्से में स्थित है। यदि आज आप मक्का जाएं, तो हीरा पहाड़ की गुफा शहर की ओर नहीं है, परंतु यहां पेट्रा में शहर की ऊंची तरफ के उत्तरी खंभों वाली पंक्ति की गलियों और निचली तरफ की दक्षिणी खंभों की पंक्ति की गलियों में है। वास्तव में शहर खंभों वाली पंक्ति की गली से आधे में बढ़ गया है। यदि मक्का का पवित्र शहर पेट्रा है, तो जिस गुफा में मोहम्मद को पहला रहस्य उजागर हुआ था वो भी वही होनी चाहिए। पुराने लेख बताते हैं कि गुफा का द्वार शहर की ओर था और वो नीचे आ गई थी जब मोहम्मद ने पहाड़ पर चढ़कर अपने आप को नीचे फेंकने की कोशिश की थी। यदि ये ऐसा है तो मैं वो जगह जानता हूँ, मुझे वहां जाना पड़ेगा। यहाँ इस गुफा में हम विभिन्न प्रकार के परमेश्वर के खंड देख सकते हैं।
ऊपर एक बड़ा सा आधे चंद्रमा का चित्र है। ये एक प्रकार की गुफा है जहाँ युवा व्यक्ति जाते थे और जीवन के अर्थ के बारे में विचार करते थे। इस गुफा का विवरण व स्थान वैसा ही है जैसा वर्णन पुराने लेखों में किया गया है। शहर के बिल्कुल बाहर मुख्य द्वार शहर की ओर है और ये प्रमाण है कि लोग यहाँ आकर धार्मिक आराधना और ध्यान में समय बिताते हैं। मैं सोचता हूँ इस्लाम के सभी व्यक्तियों के लिए यह पवित्र स्थान है और वो यहाँ है पेट्रा में। कुरान प्रत्येक मुसलमान को ये आज्ञा देती है कि जब वो प्रार्थना करें तो एकत्रित होने के वर्जित स्थान की ओर मुंह करें। अब एकत्र होने का वर्जित स्थान कोई इमारत नहीं था, ये इससे कहीं बढ़कर था। विशेष पत्थरों द्वारा अलग किया गया ये विशाल क्षेत्र था। इन पत्थरों द्वारा पवित्र क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई थी। इस क्षेत्र के अंदर किसी की हत्या करने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि चिड़िया भी मारने की अनुमति नहीं थी। अब इस तरह के क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए किस तरह के पत्थर होने चाहिए थे? यदि वो छोटे गोल पत्थर होते तो वो रेगिस्तान के अन्य पत्थरों के साथ खो जाते। वे अवश्य ही बड़े पत्थर होंगे और उनमें कुछ ऐसी विशेषता होगी जिससे ये एकदम पता चल जाता कि यही पवित्र क्षेत्र की सीमा है। आज मक्का में कोई विशेष प्रकार के सीमा पत्थर नहीं लगे हैं। बहुत पहले से इतिहासकार सोचते हैं कि पहचान के पत्थर कैसे होंगे, पर लगता है इतने वर्षों में वो पत्थर कहीं खो गए हैं या शायद वो वहां थे ही नहीं। यदि वास्तव में इस्लाम का पवित्र शहर पेट्रा है तो ये बात पक्की है कि विशेष पत्थर मक्का में नहीं होने चाहिए, वो पेट्रा में होने चाहिए। पेट्रा की विशेषताओं के कारण पूर्ण रूप से ये क्षेत्र मन मोहने वाला है। जब भी पर्यटक इस शहर में आते हैं वो बहुत से चौकोर पत्थरों जिन्हें जिन चट्टान के नाम से जाना जाता है उसके पास से होकर निकलते हैं। ये मन मोहने वाला नाम स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया है। रुचिकर यह है कि 20 से अधिक बड़े चौकोर पत्थर शहर के प्रत्येक प्रवेश पर लगे हुए हैं। क्या यह संभव है कि ये वर्जित क्षेत्र को अलग करते हों? शायद इसलिए ये मक्का में स्थापित नहीं है। यदि ये सत्य है तो मस्जिद अल हराम या एकत्र होने का वर्जित स्थान यहाँ होता। यदि यहाँ स्थापित नहीं है तो काबा को भी यहाँ स्थापित होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति जिसका नाम इब्ने जुबैर था उसने इसे हटा दिया। अभी तक इस कार्यक्रम में हमने जांचा कि मुसलमान वास्तव में किस दिशा की ओर प्रार्थना करते हैं। जैसा कि हमने देखा, सभी मस्जिदें जो इस्लाम के पहले 100 वर्षों के समय में बनाई गईं, वो पेट्रा की ओर संकेत करती हैं। दो मस्जिदों का प्रयोग करके अमन सिटाडल व डैन गिब्सन ने यह निर्धारित किया कि किबला की दिशा किन वर्षों में बदली। क्या इस्लाम का इतिहास हमें कुछ संकेत देता है कि प्रार्थना की दिशा क्यों बदली गई होगी? यदि हम इस्लाम के इतिहास में देखें तो ये वही समय है जब दूसरा इस्लामी गृह युद्ध हुआ था। इस्लाम में बहुत युद्ध हुए, मोहम्मद की मृत्यु के बाद भी गृह युद्ध हुए। इसी कारण आज शिया व सुन्नी हैं। उमायद जो सुन्नी थे वो विजयी हुए और उन्होंने दमिश्क पर राज किया। इतिहास में इस समय पवित्र शहर के गवर्नर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर थे। वो विशेष रूप से अप्रसन्न थे। उनकी दृष्टि में पवित्र शहर इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण शहर था, शहरों की माता। परंतु उमायद शासक ने दमिश्क को नया शहर चुना और दमिश्क में भ्रष्टाचार तथा लड़ाइयां थीं, जिससे बहुत से व्यक्ति प्रसन्न नहीं थे। इसलिए 683 एडी में इस्लाम की स्थापना के लगभग 64 वर्ष बाद इब्ने जुबैर ने स्वयं को पवित्र शहर में खलीफा घोषित किया, जिसके कारण दूसरे इस्लामी गृह युद्ध की शुरुआत हुई। उमायदों ने मजबूती से इसका विरोध किया और पवित्र शहर की ओर आर्मी भेजी। इसके बाद इब्न जुबैर ने बहुत आश्चर्यजनक काम किया। उसने इस्लाम के प्राचीन पवित्र मंदिर काबा को नष्ट कर दिया। इब्न जुबैर ने पवित्र काबा को नष्ट करके भूमि के स्तर तक कर दिया और उसकी नींव भी खोद दी। तब उन्होंने काले पत्थर को रेशम की पट्टी में एक लकड़ी के स्टैंड में उसके पास रखा। उमायदों ने इब्ने जुबैर और उसके साथियों के विरुद्ध युद्ध किया, परंतु 40 दिनों के बाद समाचार आया कि दमिश्क के शासक खलीफा की मृत्यु हो गई। अब उमायद के जनरल ने दबाव डाला कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, परंतु उन्हें दमिश्क की ओर वापस लौटना पड़ेगा जिससे नए खलीफा की स्थापना कर सकें। उमायद के शाही परिवार के सदस्य युद्ध में आए हुए थे
उन्हें कहा गया कि पूरी सेना के साथ सुरक्षित दमिश्क लौट जाएं। इसलिए पूरी सेना के सदस्य वापस लौट गए। यहाँ हम इस समस्या का सामना करते हैं, वो है समय की अवधि का। इस्लामिक रिकॉर्ड के अनुसार ये स्पष्ट है कि जब खलीफा की मृत्यु हुई उसके बाद 13 वर्षीय बेटे ने उनके स्थान पर शासन किया। अल तबारी वॉल्यूम 20 में विशेष रूप से हमें बताया गया है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद केवल 40 दिनों तक जीवित रहा, जिसके बाद उसकी भी हत्या की गई थी। इस समय के दौरान सेना पवित्र शहर से दमिश्क की ओर वापस लौट गई। धीमी गति से चलने वाली आर्मी को रेगिस्तान के सऊदी से सीरिया दमिश्क की 1400 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में बहुत समय लगा होगा। यदि सेना प्रतिदिन 20 मील चलती तो भी उसे यात्रा पूरी करने में 43 दिन लगते। संदेशवाहक का संदेश लाना, सेना का वापस जाने का निर्णय लेना और उस निर्णय पर अमल करने में और 43 दिन के सफर में जितना समय लगा होगा वो वास्तव में पर्याप्त समय नहीं था। मक्का हमारी सोच से भी दूर है। वैसे यदि पवित्र शहर पेट्रा हो तो तब दूरी बहुत घट जाती। इस्लामिक इतिहास में दूरी की समस्या बार बार आई है। मक्का बहुत दूर है, इसलिए पहले के इस्लामिक इतिहास की बहुत सी कहानियों का मेल नहीं है। युद्ध में शांति काल के दौरान इब्न जुबैर के पास समय था कि अपनी बचाव सेना को फिर से बनाए और उमैद सेना की वापसी की तैयारी करें। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ अल तबारी द्वारा लिखे गए इस्लाम के कुछ ग्रंथ हैं। अल तबारी अधिक सामग्री को एकत्र करने में कामयाब हुआ। उसने इस्लाम के इतिहास के प्रत्येक वर्ष में घटित घटना को लिखा। उन्होंने प्रत्येक वर्ष के लिए एक अध्याय, कभी कभी दो अध्याय भी लिखे, परंतु तभी कुछ अजीब हुआ। पवित्र शहर के लिए वर्षों युद्ध चला, परंतु इस्लाम के इतिहास का 70वां वर्ष बहुत महत्व रखता है। ये ध्यान देने योग्य कि 69 वर्ष में जो कुछ घटा उसका वर्णन अल तबारी ने 15 पृष्ठों में किया और 71वें वर्ष में जो घटा उसका वर्णन 27 पृष्ठों में किया। लेकिन 70 वर्ष कहाँ गया? अब ये देखें, अल तबारी ने 17वें वर्ष के लिए केवल कुछ पंक्तियां लिखी हैं। क्या उन्हें इस वर्ष के लिए कोई और जानकारी नहीं मिली थी, या बाद में संपादकों ने इस वर्ष को अल तबारी के लेखों से हटा दिया? वो कुछ पंक्तियां हैं, परंतु वो हमें कुछ कष्टदायक विवरण देता है। वो हमें ये बताता है कि मुसाब इब्ने जुबैर, जो वास्तव में अब्दुल्ला का भाई था, पवित्र शहर में सामग्री लाया करता था। क्या वो सामग्री सेना के उपकरण थे? नहीं, वो ये बताता है कि वो बहुत से घोड़े और ऊंट लाता था। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वही वर्ष था जब इब्ने जुबैर के अनुयायी दक्षिणी पेट्रा से अरब के रेगिस्तान में वो स्थान ढूंढने गए थे जहाँ वो उमायद की सेना के विरुद्ध खड़े हो सकें। इस वर्ष का सारा विवरण अल तबारी के इतिहास से हटा दिया गया, परंतु हम ये जानते हैं कि उनका बहुत से ऊँटों और घोड़ों को प्राप्त करने का उद्देश्य कुछ और नहीं बल्कि यही होगा कि बहुत से लोगों को शहर से बाहर ले जाया जाए। युद्ध का ये शांति काल अगले वर्ष भी जारी रहा, जिसका फायदा उठाकर इब्ने जुबैर ने एक धार्मिक परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने काबा को दोबारा बनाने का निर्णय किया, परंतु अल तबारी हमें ये नहीं बताते कि नई काबा कहाँ बनाई गई है। क्या ये स्थान पेट्रा था या फिर मक्का से बहुत दूर कोई नया सुरक्षित स्थान था? मेरा विश्वास है कि नई काबा सऊदी अरब में बनाई गई होगी तथा काली चट्टान वहां से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखी होगी। अगर इब्ने जुबैर ने पवित्र शहर को खो भी दिया तो भी उसके पास चट्टान व नई काबा थी। नए खलीफा की स्थापना के बाद उमैद आर्मी लौट गई। इस बार सेना बड़ी थी और उमैद अपने साथ बड़े हथियार लाए थे। इसके साथ ही एक पत्थर फेंकने वाली मशीन लाए थे जिसे मैंजनीक कहते हैं। मक्का की गुफा में इब्न जुबैर और हल हज्जाज का युद्ध 6 महीने और 17 रातों तक चला। यूसुफ इब्न महक कहते हैं, मैंने मैंजनीक देखा जिससे पत्थर फेंके जा रहे थे। आकाश में बहुत तेज गड़गड़ाहट और बिजली थी जिसकी आवाज़ जो पत्थरों से ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण पत्थरों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जिस कारण चेहरे ढके हुए थे। इब्ने जुबैर ने युद्ध के समय काबा के पास टूटी हुई इमारत में शरण ली और जिसके कारण एक अन्य युद्ध आरंभ हुआ जिसमें पवित्र शहर काबा का क्षेत्र पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। आखिरकार इब्ने जुबैर युद्ध हार गया, परंतु सऊदी अरब के मदीना और इराक के कुफा शहर के लोगों ने इस कार्य को जारी रखा।
मेरा विश्वास है कि इस दौरान इस्लामिक संसार विवाद में आ गया। क्या वो पेट्रा की ओर प्रार्थना करें या मक्का की ओर? महान इस्लामिक साम्राज्य दो भागों में बढ़ गया। वास्तव में उमायद का शासन दमिश्क में था और वो पेट्रा की ओर प्रार्थना करते थे, परंतु वे युद्ध में हार गए थे और अब पूर्वी भाग के साम्राज्य पर अब्बासी शासन करते थे। उन्होंने सारी मस्जिदें मक्का की ओर बनाई। ये बिल्कुल उस समय हुआ जब हमने मस्जिदों के बनाए जाने के तरीकों में बदलाव देखा। इससे पहले जो नई मस्जिद बनती थी उसकी दिशा पेट्रा की ओर होती थी, परंतु पहली बार कुछ नई मस्जिदों की दिशा सऊदी अरब में मक्का की ओर की गई। परंतु समस्या अभी भी थी कि पुरानी मस्जिदों का क्या करें, वो पेट्रा की ओर बनी हुई थी। ये वो समय था जब मस्जिदों ने प्रार्थना की दिशा बताने के लिए दीवारों पर संकेत टांगना आरंभ कर दिया। उत्मन के राज्य के समय कहा गया कि खलीफा ने ये आदेश दिया है कि मदीना में मस्जिद की दीवारों पर संकेत लगे होने चाहिए, जिससे तीर्थयात्री आसानी से दिशा पहचान सकें कि उन्हें किस ओर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अब ये बहुत ही रुचिकर बात थी कि इस समय तक जो मस्जिदों को इसलिए बनाया जाता था कि केवल विश्वासी क़िबला की दीवारों की ओर देखें और पवित्र शहर की तरफ मुंह करें। जब तक प्रार्थना की दिशा ना बदली हो तब तक चिन्ह लगाने की क्या आवश्यकता थी? इस समय के दौरान इस्लाम की स्थापना के लगभग 79 वर्ष बाद अचानक मस्जिद की बनावट में ताक का परिचय कराया गया, जिससे प्रार्थना की दिशा का पता चलता है। ये ताक पुरानी इमारतों में जोड़ी गई और इसके साथ ही नई इमारतों में भी बनाई गई। आज हर मस्जिद में ताक सामान्य है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। क़िबला की दिशा के बदलाव तक कोई ताक नहीं था। गृह युद्ध में उमायद अभी भी पेट्रा की ओर प्रार्थना करते हैं, परंतु पवित्र शहर मदीना में और कूफा में बागियों ने सऊदी अरब की नई क़िबला की ओर प्रार्थना करना चुना। जब कूफा की सेना इब्न जुबैर से मिली, बुज़ैर इब्न अब्दुल्ला अल मूसली कहते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा हो जिसने हमें बेड़ियों से परखा है और तुम्हें हमें माफ करने के द्वारा परखा है। इब्न जुबैर, हम ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे क़िबला की ओर देखते हैं जिसकी ओर आप देखते हैं। कितना अजीब वाक्य है, हम वो व्यक्ति हैं, हम उसी क़िबला की ओर देखते हैं जिसकी ओर आप देखते हैं। मुस्लिम इतिहासकार ये बहस करते हैं कि इसका मतलब ये अन्य मुसलमानों वाली ही क़िबला है, परंतु अब जब हमने इस समय क़िबला के बदलाव के उस प्रमाण के रहस्य को खोल दिया है, इस वाक्य का विशेष महत्व हो जाता है। कूफा के व्यक्ति इब्ने जुबैर के साथ जुड़ गए उसकी क़िबला को अपनाने के लिए। बात की घटनाओं के समझने की ये कुंजी है। यद्यपि इब्ने जुबैर मारा गया, ऐसा लग रहा था कि वो गृह युद्ध हार गया है। कूफा शहर की उन्नति में अब्बासी शाही खानदान की बहुत बड़ी भूमिका थी और कूफा एक धार्मिक केंद्र और कुरान की प्रतिलिपि करने का स्थान बन गया। इस्लामी संसार में चीजें बहुत अव्यवस्थित थीं। मुसलमान न केवल राजनीतिक परंतु धार्मिक रूप से भी बंट गए थे। नबी मोहम्मद ने यह प्रकाशित किया था कि इस्लाम का मूल अल्लाह की इच्छाओं का पालन करना है। क्या मोहम्मद तथा कुरान की आज्ञा मानकर और तब एकत्र होने का वर्जित स्थान जो पेट्रा में है उसकी ओर देखें, या फिर पवित्र घर व काली चट्टान जो सऊदी अरब में है उसकी ओर प्रार्थना करें? अब तक डैन गिब्सन ने उन मस्जिदों को जो इस्लाम की पहली शताब्दी से मौजूद हैं उनको आलेखित किया और वे सब यर्दन में पेट्रा की ओर संकेत करती थीं। तो उन मस्जिदों का क्या जो इस्लाम की दूसरी सदी में थीं, क्या वो सब भी पेट्रा की ओर संकेत करती हैं? यहाँ से कुछ बातें रुचिकर होना आरंभ होती हैं। मेरे अध्ययन के समय मुझे पता लगा कि इस्लाम की दूसरी शताब्दी में बनी मस्जिदें विभिन्न दिशाओं की ओर संकेत करती हैं, इसलिए मैं इसे भ्रांति का समय कहता हूँ। इस्लाम की स्थापना के 102 वर्ष बाद उमर की मस्जिद दक्षिणी सीरिया के प्राचीन शहर बसरा में बनाई गई। जैसा कि आप देखते हैं कि मस्जिद की अभिमुखता मक्का की ओर इंगित नहीं करती है, लेकिन ना ही साफ तौर से वो पेट्रा की ओर इंगित करती है। 5 वर्ष बाद मुस्लिम शासकों ने सीरियन रेगिस्तान में एक महल बनाया जिसे कसरुल हायर अल गर्बी कहते हैं। ये महल की योजना और इमारत के कोने में मस्जिद का रेखा चित्र है। पूरी इमारत का मुख मक्का और पेट्रा के बीच में कहीं और है। कुछ वर्षों बाद पलमारा से 100 किलोमीटर उत्तर में कसरुल शार्की महल बनवाया गया।
यदि हम नक्शे को या भूचित्रों को देखें तो महल और मस्जिद दोनों ही मक्का या पेट्रा की ओर नहीं है। एक बार फिर वो कहीं बीच में संकेत करती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ होने के कारण बनाने वालों ने ना ही पेट्रा को चुना ना ही मक्का को, उन्होंने किबला की दिशा उन दोनों के बीच में कर दी। मानचित्र में हम देख सकते हैं कि किबला का संकेत दोनों शहरों के बिल्कुल बीच में है। यह हिसाब की छोटी गलती नहीं है, परंतु जानबूझकर पेट्रा व मक्का पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इस बदलाव का उत्तर हम विस्तार से ढूंढेंगे। इस्लाम की स्थापना के 109 वर्ष बाद बेंगूर पाकिस्तान में एक मस्जिद बनाई गई। उस समय की अन्य मस्जिदों की तरह उसमें केवल किबला की दीवार बिना ताक के थी। वैसे ये मस्जिद सऊदी अरब में मक्का की ओर संकेत करती थी। यहाँ ये सबसे पहले ऐसी मस्जिद पाते हैं जो मक्का की ओर संकेत करती है। हो सकता है और भी मस्जिदें बनी होंगी जो अब नहीं है, परंतु ये मस्जिद विशेष है क्योंकि यही सबसे पुरानी मस्जिद बची हुई है जिसे हम सच में कह सकते हैं कि वो सऊदी अरब में मक्का की ओर थी। और आश्चर्य की बात यह है कि इसे मोहम्मद की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों बाद बनाया गया। ये मुसलमान इतिहासकारों के लिए बहुत देरी थी, जिसके कारण परंपरागत इस्लामिक इतिहास में कई प्रकार की समस्याएं होने वाली थी। हमारे अध्ययन के समय एक बहुत महत्वपूर्ण इमारतों में से एक इमारत हमें यहाँ अमन यर्दन के सिटाडोल में पाई गई। उमायद का महल इस्लाम की स्थापना के लगभग 122 वर्ष बाद बना था। यदि आपको याद हो तो हमने उमायद की मस्जिद के बारे में देखा है जो यहाँ बनाई गई थी। ये मस्जिद सीधे पेट्रा की ओर संकेत करती थी, परंतु जब महल बनाया गया तो किबला की दिशा मक्का की ओर थी, इसलिए इमारतों व महल के बनने के बीच के समय में किबला की दिशा बदल गई। इससे हमें ये निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि किबला की दिशा कैसे और कब बदली। इस महल के निर्माण के दौरान पहली बार मक्का साहित्य में आया। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत से वर्षों तक मक्का का नाम कहीं नहीं था, ना तो साहित्य की पुस्तकों में ना इस्लाम की पुस्तकों में, परंतु जब किबला में बदलाव लाया गया उस समय ये नाम आया। ये बहुत अजीब है, लोग इसका कारण सोचते हैं, ये नाम इस्लाम की पुस्तकों व इस्लाम के इतिहास में होना चाहिए था, परंतु जब किबला में बदलाव लाया गया उस समय ये नाम सामने आया। ये बहुत ही अजीब था। अगली बड़ी मस्जिद यर्दन में अमन से 32 किलोमीटर दक्षिण की ओर बनाई गई। ये मुशट्टा महल तथा मस्जिद के नाम से जानी जाती है तथा 747 एडी में बनाया गया था। जैसा आप जानते हैं कि उमायद महल बहुत बड़ा व प्रभावशाली था, जिसके दक्षिणी भाग में मस्जिद स्थापित थी पेट्रा की दिशा में, जबकि संपूर्ण इमारत पेट्रा की ओर थी। इसमें रुचिकर ये था कि इस्लाम बहुत से समूहों में बट गया था। वहां परंपरागतवादी व्यक्ति थे जिन्होंने पेट्रा की ओर मस्जिदें बनाई, परंतु सुधारक थे जिन्होंने मक्का की ओर मस्जिद बनाई, और कुछ अन्य व्यक्ति थे जो किसी भी समूह में नहीं थे और किसी भी किबला को चुनने के लिए मना करते थे। इस समय में इस्लामिक इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस्लाम के उमायद शासक जो दमिश्क में थे कूफा के अब्बासियों से हार गए। 754 ईस्वी में अल मंसूर जो नए खलीफा थे, उन्होंने बिल्कुल नई पूर्वी राजधानी के बनाने का आदेश दिया और इराक में बगदाद को उसके लिए चुना। नया शहर बहुत शानदार डिजाइन पर बनाया गया था। वैसे अधिकतर मध्य पूर्वी शहर की बनावट अव्यवस्थिति होती है, परंतु यह शहर बड़े गोल आकार में बना था। डिजाइनर बाहर बिल्कुल नए क्षेत्र में जाता था और शहर की इमारत बनाने से पहले योजना को भूमि पर राख से बनाता था। यह शहर 767 एडी में बनकर पूरा हुआ और ये 2 किलोमीटर के घेरे में था। जैसा आप रेखा चित्र में देख सकते हैं कि शहर की मुख्य मस्जिद में प्रार्थना की दिशा बताने के लिए कोई ताक नहीं है, वो बाद में बनाई गई थी। एक दीवार का प्रयोग किबला की दीवार के लिए किया जाता था जो सीधा मक्का की ओर संकेत करती है। वैसे ही अन्य मस्जिदें अब अब्बासी शासकों द्वारा बनाई जाएंगी। अगर ये सब सच है तो उसके बाद नबी मोहम्मद और पहले 4 खलीफा जो इस्लाम की अगुवाई में थे, उसके बाद उमैद शासक जिसने दमिश्क से इस्लाम पर शासन किया, सब ने पेट्रा शहर की ओर प्रार्थना की। परंतु उमैद शासन के अंत में कुछ ऐसा घटा कि निर्माणकर्ताओं ने अपनी मस्जिदों की दिशा बदल डाली, कुछ पेट्रा की ओर, कुछ मक्का की ओर, और कुछ
दोनों के बीच की ओर संकेत करती थीं। इससे इस्लाम के पश्चिमी क्षेत्र के आधे भाग में समस्या उत्पन्न हो गई थी। पश्चिम की ओर के व्यक्ति पहले वाले उमैदों के बहुत वफादार थे, इसीलिए इस्लामिक संसार दो भागों में बट गया। अब्बासी शासकों ने इराक के पूर्वी भाग के साम्राज्य का संचालन किया और उमैद शासकों ने उत्तरी अफ्रीका व स्पेन का संचालन किया। यह इस्लामिक इतिहास का महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि उमैद स्पेन में अब संस्कृति में प्रगति कर रहे थे और सुंदर व प्रभावशाली इमारतें बनानी आरंभ कर दी थीं। स्पेन के निर्माणकर्ताओं को समस्या हो गई। पारंपरिक रूप से सभी उमैद पेट्रा की ओर प्रार्थना करते थे, परंतु जैसा कि हम देखने जा रहे हैं कि कुछ ऐसा भयानक घटा जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य की सारी मस्जिदें अब उस दिशा की ओर संकेत नहीं करती। उनके शत्रु अब्बासी अब सऊदी अरब मक्का की ओर प्रार्थना किया करते हैं, इसलिए वो उस ओर प्रार्थना की दिशा नहीं चुनना चाहते थे। तो अब उमैद क्या करें? जब मैंने स्पेनिश उमैदों द्वारा बनाई गई मस्जिदों की जांच पड़ताल की, तब मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक विकास दिखा। इन निर्माणकर्ताओं ने ना मक्का को चुना और ना पेट्रा को। अब जैसा कि हमने देखा है, मध्य पूर्व के कुछ निर्माणकर्ताओं ने अपनी किबला की दिशा दोनों शहरों के बीच में चुनी, परंतु उत्तर अफ्रीका और स्पेन के निर्माणकर्ताओं ने कुछ और ही करने का निर्णय लिया। कुछ वर्षों से इतिहासकार इन मस्जिदों के कारण दुविधा में हैं। उनके किबला की दिशा का संकेत कहीं दक्षिणी अफ्रीका की ओर था, परंतु सभी अफ्रीका व स्पेन की मस्जिदें थोड़ा भिन्न स्थानों की ओर संकेत करती हैं। ये सब में बहुत गड़बड़ लगती है। वैसे जब हम मानचित्र में आलेखित करते हैं, तो उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन की मस्जिदों की सारी किबलाएं पेट्रा व मक्का के बीच खींची गई लाइन के समांतर हैं। इसलिए पेट्रा व मक्का को चुनने के बदले उन्होंने इन दो शहरों के बीच खींची गई पंक्ति के समांतर अपनी किबला रखी। इसलिए पेट्रा या मक्का को चुनने के बदले उन्होंने इन दो शहरों के बीच खींची गई पंक्ति के समांतर अपनी किबला रखी। सब मुसलमान जानते हैं कि मक्का सऊदी अरब में है, परंतु आप कहते हैं कि मक्का पेट्रा में है। किस आधार पर आप इस सिद्धांत पर आए हैं? इसके लिए आपका मार्गदर्शन और प्रमाण क्या है? हम जानते हैं कि मक्का सऊदी अरब में है, इसीलिए किस आधार पर आप ये सब कहते हैं? यदि आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या आपको याद है जब हमने दूसरे इस्लामी गृह युद्ध के बारे में बातचीत की थी? इब्ने जुबैर ने स्वयं को पवित्र शहर में बंद कर लिया। उमायद सीरिया की सेना ने उसे घेर कर 4 महीने तक उसे वहीं रखा। अक्टूबर माह में सीरियन शहर की दीवारों तक एक गुलेल लाए, जहां से उन्होंने इस्लाम के पवित्र शहरों पर पत्थर फेंके। ये कैसे संभव है? सामान्यतः लोग शहर की दीवारों के पीछे रहते हैं। एक गुलेल साधारण रूप से लोगों के घरों को तबाह कर सकती है, परंतु इस केस में कहा जाता है कि गुलेल से इस्लाम के पवित्र शहरों के बीच में मारा गया। ये कैसे संभव है? पेट्रा में एक अनोखी विशेषता है। पेट्रा में शहर की दीवारें उत्तर व दक्षिण में हैं। शहर की दीवारें घाटी के पार तक थीं, परंतु उत्तर में शहर की दीवारें घाटी तक नहीं थीं, क्योंकि वहां पर एक जलमार्ग था। मैं विश्वास करता हूं कि सीरियन अपनी गुलेल को सूखी नदी के रास्ते एक ऐसी जगह पर लेकर आए जहां से वे शहर के बिल्कुल बीचों बीच पत्थर फेंक सकें, काबा व इस्लाम के पवित्र स्थान को नुकसान पहुंचा सकते थे। ब्राउन यूनिवर्सिटी के पुरातत्वकार बहुत वर्षों से पेट्रा में खुदाई कर रहे हैं। उनकी परियोजना थी कि खुदाई करके उस जगह को ढूंढें जिसे महान मंदिर का क्षेत्र बोला जाता है। जब उन्होंने मंदिर को ढूंढ निकाला, तो डैन उन प्रमाणों को देखकर चकित हुए जो उनके सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। इस इमारत की एक रुचिकर विशेषता ये है कि लोगों में यहाँ आघात के विरोध में बचाव बनाए हैं। देखें, ये द्वार के रास्ते पर बिल्कुल सट कर है, जिससे वो अपनी रक्षा कर सकें। 551 AD में भूकंप के कुछ समय बाद ये हुआ कि हम बचावों की तिथि छतों पर लगाई टाइलों से, जो इन बचाव के निर्माण में प्रयोग हुई, उनसे लगा सकते हैं। वैसे इस समय के दौरान पेट्रा में किसी युद्ध के होने का रिकॉर्ड नहीं है, परंतु हम ये जानते हैं कि ये इस्लाम की स्थापना के शुरुआती सालों में हुआ था। परंतु हमारे पास केवल यही प्रमाण नहीं है। खुदाई के समय पुरातत्वकारों को लगभग 400 गुलेल के पत्थर प्राप्त हुए। ये पत्थर लगभग सही स्थान पर व सही समय पर दबे थे। ये बहुत मजबूत इशारा है कि न केवल युद्ध इस स्थान पर हुआ है, ये कि और पहला वास्तविक काबा इस क्षेत्र के पास है। इसीलिए इस्लाम परंपरागतों तथा सुधारकों में बट गया। परंपरागत व्यक्ति यर्दन में पेट्रा की ओर
तथा सुधारक सऊदी अरब में मक्का की ओर प्रार्थना करते थे तथा अन्य जानबूझकर बीच का रास्ता अपनाते थे। इस समस्या का हल वो कैसे निकालेंगे? पेट्रा रोने के शहर ने घातक विनाश को सहा। भयंकर भूकंपों ने पेट्रा शहर को हिला दिया, इमारतों, मंदिरों तथा घरों को नष्ट कर दिया था। इतनी अधिक हानि हुई कि वो शहर दोबारा कभी नहीं बन सका। पहली काबा की प्रमाणिकता अब खत्म हो चुकी थी। गुलेल के पत्थरों ने उसको बहुत नष्ट कर दिया। बाकी जो कुछ भी बचा हुआ था इब्ने जुबैर ने नष्ट कर दिया। 713 एडी में एक भूकंप ने बांध को, जिससे पेट्रा के आसपास पानी पहुंचाया जाता था, उसे नष्ट कर दिया। इसके कारण जो भी प्रमाण बचे हुए थे वो भी प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी में बह गए। इस्लामिक इतिहास के लेखकों की याद से पेट्रा मिटने लगा था, जो कि 150 साल बाद उसका नाम अपने लेखों में उल्लेखित नहीं करते। समय बीतने के साथ इन दो क्षेत्रों की यादें मिलकर एक ही क्षेत्र रह गया है, वो है सऊदी अरब में मक्का। अब से सभी किबला की दिशा उसी ओर है। परंतु जब से आधुनिक पुरातत्विक यंत्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र और इंटरनेट द्वारा इतिहासकारों का मिलना हुआ और संसार के शिक्षाविद और विद्वानों के साथ आने से कुछ और ही चित्र बनता है। ये एक अजीब सी बात है, मैंने ये पहली बार सुना है। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मुसलमान इस पर विश्वास करें? ये इस्लाम के साहित्य या इतिहास की पुस्तकों के रिकॉर्ड में क्यों नहीं लिखा गया? क्या इस्लाम इसे भूल गया? क्या जानबूझकर भूल गया? ऐसा कैसे है कि इसका वर्णन क्यों नहीं किया गया? ये अजीब बात है। हमें उन घटनाओं को समझने के लिए जिससे इस्लामिक इतिहास प्रभावित हुआ है, हमें पहले बहुत सी अलग बातों को पहचानने की आवश्यकता है। पहले तो मेरा ये विश्वास है कि शुरुआती इस्लामी साम्राज्य जो उत्साही मुसलमानों द्वारा बनाया गया था, साहित्यिक रूप से बिल्कुल खाली था, क्योंकि उन्होंने पुस्तकों, हस्तलिपियों को नष्ट कर दिया, शिलालेखों को मिटा दिया, पुस्तकालयों को जला दिया और सारे साहित्य को नष्ट कर दिया, केवल कुरान को छोड़कर, जो कि आधी अधूरी बातें थीं, जो कि लोगों को मोहम्मद द्वारा दिए गए प्रकाशन के बारे में थीं। इस्लामी सेना द्वारा लिखित साहित्य का विनाश का अच्छे से वर्णन किया गया है। एक प्रमाण के रूप में 640 एडी का पत्र खलीफा ने जनरल अमरुद्दीन को लिखा था, जो मिस्र में मुस्लिम आर्मी के अगवे थे, जिन्होंने पूछा था कि वे सारे हस्तलिपियों का क्या करें जो उन्हें अलेक्जेंडरिया के गोदामों से मिली थी। खलीफा का उत्तर दर्ज है और जो सदियों से सब जानते हैं। और जिन पुस्तकों का आपने वर्णन किया है उसके लिए ये मेरा उत्तर है, अगर उनकी सामग्री अल्लाह के रहस्य उजागर के समान है तो हम उसके बिना ही करेंगे, क्योंकि इस केस का अल्लाह का रहस्य उजागर पर्याप्त है। यदि दूसरी ओर देखें कि विषय सामग्री अल्लाह के रहस्य उजागर के अनुसार नहीं है तो उन्हें संभाल कर रखने की आवश्यकता नहीं है, आगे कार्यवाही करें और उन्हें नष्ट कर दें। मुसलमान लेखक अल-कैफी बताते हैं कि अलेक्जेंडरिया में पुस्तकों को सार्वजनिक स्नान के लिए दे दिया गया, जहाँ उसे चूल्हे में प्रयोग करते थे, जिससे वे गर्म पानी से आरामदायक स्नान कर सकें। वे कहते हैं कि उन्हें सभी बेकार सामग्री को जलाने में 6 महीने लगे। यूटाइशम कॉन्स्टेंटिनोपल के आचार्य के रिकॉर्ड के अनुसार अलेक्जेंडरिया की लाइब्रेरी से मिली पुस्तकों से 4,000 लोगों ने स्नान का लाभ उठाया। वैसे किताबों के जलाने का आरंभ मिस्र से नहीं हुआ, परंतु 4 वर्ष पहले पर्शिया में हुआ था। खलीफा उम्र की सेना 636 ईस्वी में अजसिया युद्ध में फारसियों की सेना से मिली। जनवरी 637 ईस्वी के आरंभ में मुसलमान गार्ड पहले ही टेसिफोन के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गए और 2 महीने तक शहर में सैनिकों ने घेरा डाले रखा। आखिर में वो शहर हार गया और मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया। युद्ध के समय टेसिफोन के महल व लाइब्रेरी को जानबूझकर जलाया गया। अंत में अरब में सिर्फ एक ही किताब बची, वो थी महिमामय कुरान। जब हम कुरान के इतिहास को देखते हैं तो इतिहासकारों ने बहुत संघर्ष किया। ऐसा लगता है कि कुरान का बहुत सा भाग लिखने की जगह मौखिक रूप से याद रखते थे, क्योंकि अरब के व्यक्ति याद करने में बहुत अच्छे थे और उनमें पूरी कुरान याद करने की योग्यता थी। इसलिए याद की गई सामग्री को मौखिक परंपरा में रखने से बहुत कठिनाइयां हुई। सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति का याद रखने का तरीका बिल्कुल सही व उत्तम होना चाहिए। कुरान के मामले में भिन्न आयतों पर वाद विवाद हुआ, कैसे इसका अनुवाद होना चाहिए और पूर्ण रूप से इसको शामिल करना चाहिए या नहीं। दूसरा,
ये समस्या थी कि एक सीखे हुए व्यक्ति से दूसरे अनुभवहीन व्यक्ति को ज्ञान बांटने में मुश्किल था। कुरान के संदर्भ में अधिकतर पुरुष जो मोहम्मद के वचन को याद करते थे वो सैनिक भी होते थे। ऐसे में अक्सर सैनिक युद्ध में मारे जाते थे और उनका कुरान का ज्ञान भी उनके साथ समाप्त हो जाता था। यमामा के युद्ध के उदाहरण में विस्तार से बताया गया है कि जब 450 व्यक्ति जिन्होंने कुरान को याद कर रखा था उनकी मृत्यु हो गई। हुदाइफा बिन यमन उस समय उत्थमान आए जब दमिश्क व इराक के लोग आर्मेनिया और अजरबैजान के खिलाफ युद्ध कर रहे थे कि उसे पराजित कर सके। हुदाइफा भयभीत थे क्योंकि दमिश्क व इराक के व्यक्तियों में कुरान बोलने के तरीके में अंतर था। इसीलिए उन्होंने उत्मन को कहा, विश्वासियों के प्रधान, इस राष्ट्र को बचाओ, इससे पहले के प्रकाशन में मतभेद हो। इसीलिए उत्मन ने हाफसा को संदेश भेजा और कहा, हमें अपनी कुरान की हस्तलिपि भेज दो ताकि हम सारे कुरान की सामग्री को एकत्र करके उसकी उत्तम कॉपी बनाएं और हस्तलिपि वापस भेज देंगे। हाफसा ने भेज दिया। उसके पश्चात कुछ व्यक्तियों के समूह ने बैठकर कुरान की एक नई कॉपी बनाई। उस्मान ने 3 कुरैश व्यक्तियों से कहा, यदि आप किसी बात से असहमत हैं तो उसे कुरैश की बोलने वाली भाषा में लिखें, क्योंकि कुरान उन्हीं की भाषा में उजागर हुई थी। जब सैकड़ों कॉपियां लिख दी गईं, उस्मान ने असली हस्तलिपि हाफसा को वापस कर दी। उस्मान ने उसकी एक कॉपी प्रत्येक मुस्लिम क्षेत्र में भेज दी और आज्ञा दी कि अन्य कुरान की सामग्री, चाहे वो टुकड़ों में लिखी हस्तलिपि हो या पूरी कॉपी हो, सब जला दी जाएं। और वो लगातार सामग्री को जलाते रहे, यहाँ तक कि इस बार कुरान से संबंधित सामग्री को भी जला दिया। परंतु इससे इस विवाद का अंत नहीं हुआ कि कुरान में क्या शामिल होना चाहिए और क्या नहीं। विभिन्न प्रांतों में जब ये नई कुरान पहुंची, व्यक्तियों ने इसके विरोध में बहस की। साइद बिन थाबित ने कहा, जब हम कुरान की प्रतिलिपि बना रहे थे तो सूरत अहज़ाब की एक आयत छूट गई थी और मैं अल्लाह के शिष्यों को बोलते हुए सुनता था, इसलिए हमने उसे खोजा और जब हमने ढूंढा तो उसे खुज़ैमा बिन थाबित अल अंसारी में पाया। अब संपूर्ण मुस्लिम साम्राज्य में कुरान की केवल ये 5-6 प्रतिलिपियां ही बची थी। उस्मान ने सभी कुरानों को खत्म करने की कोशिश में ये आदेश दिया कि सभी कुरानी सामग्री को जला दिया जाए और केवल उनको छोड़ा जाए जो प्रांत के गवर्नरों के पास हों। परिणाम स्वरूप सभी गैर मुस्लिम पुस्तकें नष्ट कर दी गईं और उसके बाद मुसलमानों ने केवल 5 या 6 कॉपी छोड़कर अपनी सभी पुस्तकें व लेख नष्ट कर दिए। इस समय तक इस्लामी साम्राज्य फैलकर अटलांटिक महासागर से होता हुआ मध्य पूर्व अफगानिस्तान तक फैल गया था। उन लाखों वर्ग किलोमीटर के लिए कुरान की केवल 5 या 6 प्रतिलिपियां बची थीं। जब मैं साहित्यिक शून्यता के बारे में बोलता हूँ, उसका संदर्भ ये है। बहुत समय बाद अब्बासियों ने इस्लामिक शासन की बागडोर संभाली, तब उन्हें साहित्यिक शून्यता के बारे में पता चला और उन्होंने इसे सही करने की ठान ली। परंतु यहाँ समस्या ये थी कि वे इस्लामिक इतिहास को अब्बासियों के रूप में बनाने में रुचि ले रहे थे, इसलिए अब्बासियों की देखरेख में जो सामग्री तैयार की गई वो अब्बासी इतिहास का सही राजनीतिक विवरण था। 250 वर्ष और उससे भी प्राचीन कथाओं और परंपराओं का एकत्र किया गया, उनकी प्रतिलिपियां बनाई गईं और बांटा गया। जो पुस्तकें उनके पहले लिखी गई थीं, उन्हें या तो नष्ट कर दिया गया या बाद के लेखकों ने उन्हें संपादित किया जिन्होंने उसमें गलतियां पाईं। अब्बासियों के शासन के अंतर्गत अधिकतर धार्मिक, वैज्ञानिक तथा शिक्षा संबंधी परियोजनाएं आरंभ की। अब्बासी शासकों ने छात्रों के विकास को उत्साहित किया, जो न केवल इस्लाम के प्रारंभिक वर्षों को अच्छे रूप में दर्शाए गए परंतु उनके राज्य पर शासन करने के अधिकार का भी निश्चय होगा। इस समय के अंतराल में हम देखते हैं कि महान इस्लामिक इतिहासकार इस्लामी इतिहास पर लेख लिख रहे हैं तथा उन्होंने पहले के काम का भी संपादन किया। उदाहरण के लिए हमारे पास इब्ने इसहाक द्वारा लिखी गई मोहम्मद की असली जीवनी नहीं है, क्योंकि इब्ने हशम ने अब्बासियों की अगुवाई में वो सही किया जिसे असली दस्तावेजों में गंभीर गलती कहा गया था। इब्ने हशम के संपादन के बाद बाकी इस्लामिक इतिहासकारों ने अपने इतिहास की कहानियां लिखनी आरंभ कर दी और उन्हें इस्लामिक इतिहास के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसे इस प्रकार लिखा गया था कि अब्बासियों के शासन के दिनों के धार्मिक तथा राजनीतिक विश्व दृष्टि को भाएं। क्या यह संभव है कि मुसलमान आज अब्बासियों के छिपाए जाने के शिकार हैं?
क्या अब्बासियों ने जानबूझकर मुसलमानों को पेट्रा में एकत्र होने के वर्जित स्थान की ओर प्रार्थना करने से मना किया, जैसे कुरान में आज्ञा है कि उनको मक्का में स्थित काले पत्थर की ओर प्रार्थना करनी है? क्या अभी तक मुसलमान अब्बासियों के प्रचार के कारण गुमराह हो रहे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि ये तब शुरू हो गया था जब पहले के मुस्लिम अगुवाओं ने कुरान के छोटे टुकड़ों को एक साथ एकत्र किया। समस्या एकत्र करने की नहीं थी, बल्कि ये थी कि उन्होंने हर उस वस्तु को नष्ट कर दिया था जो उनके विचारों के विरुद्ध थी। यहाँ पर पश्चिमी विचारों तथा मुस्लिम विचारों में एक बड़ा विभाजन है। पश्चिमी विचारों में बाद की हस्तलिपि कम विश्वसनीय है, क्योंकि ये प्रतिलिपियों की भी कॉपी है। इसके लिए हमें पहले के साधनों की सामग्री को देखना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल सही है। दूसरी ओर मुस्लिम विचारों के अनुसार पहले की हस्तलिपि कम विश्वसनीय है तथा बाद की हस्तलिपि पहले की हस्तलिपि की जगह ले लेती है। यहाँ तक कि कुरान में भी पहले के प्रकाशन बाद के प्रकाशन की जगह ले लेते हैं या अभिनिषेध करती है। एक बार जब आप इस अभिनिषेध के संदर्भ को स्वीकार कर लेंगे, तब आप हर तरह के बदलाव को स्वीकार कर लेंगे। अगर अब्बासियों ने इतिहास से छेड़छाड़ की थी, तो क्या उन्होंने कुरान के लेखों के साथ भी छेड़खानी की होगी? लेकिन किस तरह? मक्का का नाम सूरा 48 में आया। अबू बकर मोहम्मद के उत्तराधिकारी ने सबसे पहले कुरानिक सामग्री का संकलन किया। उनके बाद उस्मान ने इस संग्रह का उपयोग करा और फिर उसमें जोड़ भी दिया। इतिहासकार बताते हैं कि उस्मान के कुरान को संकलन करने के बाद भी व्यक्तियों को मोहम्मद द्वारा प्रकाशित और बहुत सी आयतें याद हैं। हर बार जब एक नई कुरान आती है तो उसे ये कहा जाता है कि वही सबसे पूर्ण कुरान है। पहले आई हुई ठीक थी, परंतु नई वाली अधिक पूर्ण थी, जिसमें अधिक रहस्य उजागर किया गया था। क्या अब्बासी लोग और भी अधिक संपूर्ण कुरान लाए जिसमें मक्का का वर्णन था? आज हमारे पास संग्रहालयों में इस्तांबुल से समरकंद तक बहुत सी अब्बासी कूफी कुराने हैं। इन कुरानों में कूफी लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसका कूफा के शहर में आविष्कार हुआ था। पर पहले की कुरानों का क्या, जो दूसरी लिपियों में लिखी गई थी? मैंने पहले के कुरानी चर्म पत्र जो कूफा की लिपि से पहले लिखे गए थे उनमें खोजा है। इससे आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कूफा लिपि से पहले की कोई भी सामग्री किबला के बदलने की या मक्का के शहर का किसी भी आयत में वर्णन नहीं करती है। इतिहासकारों ने मुझे चुनौती दी कि मैं इस्लाम के इतिहास को दोबारा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ऐसा करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल एक छोटे बदलाव की सलाह दे रहा हूँ। बहुत वर्षों पहले इस्लाम के शहर को बक्का नाम से बुलाया गया। मैं विश्वास करता हूँ कि बार बार भूकंप आने के कारण बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हुई, इसलिए पेट्रा शहर के लिए ये नाम रखा गया। इब्ने जुबैर द्वारा काला पत्थर को मक्का हस्तांतरित करने के बाद शास्त्रियों ने इस्लामिक लेखों में केवल एक बदलाव किया। अरबी भाषा में बक्का ऐसा लिखा जाता है। बे को मीम में बदलना बहुत आसान है। दोबारा देखें, केवल इतना ही करना है। वास्तव में बाद के पाठकों के लिए ये ढूंढना असंभव था, क्या अब्बासी शास्त्रियों ने कुरान में पहले के संदर्भ में बक्का को ठीक किया था और उसे मक्का में कर दिया था? मैं विश्वास करता हूँ कि सारे प्रमाण इस ओर संकेत करते हैं कि पेट्रा बक्का का प्राचीन शहर है, जो इस्लाम की स्थापना का स्थान है। इस्लाम की पहली शताब्दी की सभी मस्जिदें पेट्रा के एकत्र होने के वर्जित स्थान की ओर संकेत करती हैं, और सभी वर्णन पेट्रा के अनुसार हैं, मक्का के नहीं। कुरान में मुसलमानों को यह आदेश दिया गया है कि वो एकत्र होने के वर्जित स्थान की ओर प्रार्थना करें। कुरान में काली चट्टान के बारे में कुछ भी नहीं है। ये स्पष्ट है कि यद्यपि डैन गिब्सन का शोध इस्लामिक इतिहास से जुड़ा है और उन्हें अरब संसार से बहुत प्रेम है, उनके सिद्धांत मुसलमानों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। पूरे संसार में जब विश्वास जांच के अंतर्गत आता है, तो वो मूल सच्चाई को सिद्ध करने के लिए होता है। सभी धर्मों को गंभीर शोध की आवश्यकता होती है। हो सकता है ये बहुत कठिन हो। यदि ये संभव है, तो इस्लाम को पूछने की आवश्यकता है कि अब्बासियों के इस प्रचार से कि कैसे और कहां उनके धर्म का आरंभ हुआ। और यदि ये सच है, तो आज के औसत मुसलमान के लिए इसका क्या अर्थ है?